वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज इन्फो चैनल आज 9 दिसंबर 2021 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताजा तरीन खबरें लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों अगर आप में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बरए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और इटली में रहने वाले परदेशियों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके तो दोस्तों अपनी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि इटली में सुपर ग्रीन पास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई हुई है और इस वक्त इटली में जो हालात हैं ये दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं इटली में पिछले 24 घंटों में जो नए केसेस आए हैं उनकी गिनती सतारह तक पहुंच चुकी है जबकि मरने वालों की तादाद छियासी बताई जा रही है और तासोदी पॉजिटिविटा दो इशारिया सात तक पहुंच चुकी है आपको मालूम है कि सुपर ग्रीन पास इटली में लागू हो चुका है तो इस नए कानून को कवर करने के लिए जो अटालियन पुलिस है उसकी तरफ से इटली की मुख्तलिफ जगहों पर यानी कि मेट्रो स्टेशन में बसेज में और दीगर जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को सुपर ग्रीन पास से मुतलिक कंट्रोल किया जा रहा है और जो अतालवी हुकूमत की तरफ से नई इंफॉर्मेशन सामने आई है सात दिसंबर 2021 से अभी तक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 611 लोगों को जुर्माने किए गए हैं और एक लाख तैतीस हजार लोगों को चेक किया गया है वाजिया रहे कि इटली में ये चेकिंग सुपर ग्रीन पास और बेसिक ग्रीन पास से मुतलिक आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी क्योंकि अतालवी हकूमत की तरफ से अवाम पर दबाव है कि वह सुपर ग्रीन पास और जो नए कवानी बनाए गए हैं इटली में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और मुल्क में वबा से ज़्यादा लोग मुतासर ना हो सकें इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी इंफॉर्मेशन देते चलें कि इस वक्त तक पूरी दुनिया के सतावन ममालिक में नया कोविड वायरस ओमिक्रोन फैल चुका है इसके साथ ही आपको आगाह करते चलें कि इटली में मौसम को लेकर एक नया अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगले चंद रोज़ के दौरान बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इटली में जारी रहेगा और इन बारिशों और बर्फबारी के तहत इटली के तमाम रीजन के मुतासर होने का खदशा है इटली में मौसम का हाल बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक बताया गया है कि बारिशों और बर्फबारी का यह सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा इटली के शुमाली रीजन पमोन्ते लम्बर्दिया लगोरिया और वेनेटो में बर्फबारी का इम्कान है जबकि सरदानिया तस्कोनी लाजियो और कम्पानिया में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का भी इम्कान है जिससे दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अपनी अगली न्यूज़ को देख लेते हैं जो कि इटली में हुकूमत परेशान 16 दिसंबर इटली में बहुत ही खास होगा लेबर यूनियंस की तरफ से ऐलान कर दिया गया तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इटली में 16 दिसंबर 2021 को इटली की दो बड़ी लेबर यूनियंस ने हकूमती पॉलिसियों और आइंदा माली साल के बजट के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है लेबर यूनियन सी और यू की तरफ से हकूमती बिल को गैर तसली बख्श करार देते हुए कहा गया है कि बिल में टैक्सी में कमी पेंशन असलात और सनती पॉलिसी से मुतलिक इकदाम काफी हैं मजीद उनकी तरफ से कहा गया है कि इटली में मौजूद गैर मुल्की कंपनियों को वापस जाने से रोकने के लिए भी हकूमत इकदाम नहीं उठा रही जिसके बायस लेबर मार्किट यानी कि तौर पर नौजवान तबका गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है और इन्हें बेरोजगार होने का खदशा लाक है जबकि दोस्तों दूसरी जानब तीसरी बड़ी लेबर यूनियन चीजल ने हड़ताल की मुखालफत की है और अपने बयान में कहा है कि वो एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे इस तरह के इकदाम से कोरोना के बाईस पहले से मुश्किल का शिकार अवाम में समाजी तनाव में इजाफा होगा ख्याल रहे कि ट्रेड यूनियंस की जानब से हड़ताल के ऐलान पर वजीर लेबर एंड्रिया औरलान्डो ने हैरानी का इजहार जाहिर किया है और कहा है कि हड़ताल का ऐलान समझ से बाला तार है बजट में वर्कर्स के तहफ के लिए इकदाम किए गए हैं इसके अलावा इटली के पड़ोसी मुल्क इंग्लैंड से अपडेट को देख लेते हैं तो दोस्तों जिसमें बताया जा रहा है कि यूके के वजीर अजम बोरिस जॉनसन का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अब यूके में जहां पर भी ज़्यादा लोगों का हजूम होगा उनके लिए ग्रीन पास लाजमी करार कर दिया जाएगा और यूके में एक बार फिर से हमें पहले जैसा माहौल बनाना होगा ताकि लोग समाजी फासला और दीगर जो पाबंदियाँ होंगी उनको फॉलो कर सकें इसके अलावा जो जर्मन से बड़ी अपडेट आ रही है उसको भी देख लेते हैं तो दोस्तों तफसीत के मुताबिक बताया जा रहा है कि जर्मन में अब हुकूमत तब्दील हो चुकी है यानी कि ऑल्फ स्कोल अब जर्मनी के नए चांसलर बन चुके हैं इनकी उम्र जो है वो है तिरसठ साल और कल 12 बजे उन्होंने हलफ उठा लिया है ख्याल रहे कि इससे पहले जो जर्मन चांसलर थीं एंजलिका मेरिकल उन्होंने जर्मनी में 16 साल अपनी हुकूमत की है यहां पर आपको वाजिया करते चलें कि जर्मनी में चांसलर ऐसे ही होते हैं जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ममालिक में इसके अलावा आपके साथ खबर शेयर करते चलें जिसमें बताया जा रहा है कि तारकिन को बड़ी तादाद में यूरोप लाने का नया तरीका ढूंढने वाले पकड़े गए इंसानी स्मगलर का एक ग्रोह गिरफ्तार किया गया है जो 700 से जायद तार्किन को जर्मनी पहुंचा चुका था हुकाम की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने अपना नेटवर्क सर्बिया और हंगरी के बॉर्डर तक फैलाया हुआ था इसके साथ ही आपके साथ अहम न्यूज शेयर करते चलें जो कि इटली में वर्कर्स को लेकर सामने आई है पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ये बता दें कि अब दिसंबर का महीना चल रहा है तो अब वर्कर्स को डबल सैलरी मिलेगी यानी कि जो वर्कर्स फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या फिर और जगहों पर काम करते हैं यानी कि तेरहवीं और बाद वर्कर्स को तेरहवीं चौदहवीं तनख्वाह मिलेगी ख्याल रहे कि ये डबल सैलरी डिपेंड करता है आपके दतो दी लवोरों पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा दी लवोरों जो हैं जो कि अपने वर्कर्स को डबल सैलरी भी देते हैं इसके अलावा वर्कर से ही मुतलिक आपके साथ अपडेट शेयर करते चलें जिसमें बताया जा रहा है इटली में इलीगल जो वर्कर्स हैं जो के बगैर किसी प्रोटेक्शन के काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ख्याल रहे कि इटली में क्रिसमस का सीज़न अब चल रहा है और काफ़ी सारे जो मालिकान हजरात हैं वो वर्कर से मुखल किस्म के काम ले रहे हैं और इटली में पुलिस भी अब मुतहरक हो चुकी है और इस तरह के इलीगल वर्कर्स जो किसी बगैर प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी दोस्तों बताते चलें कि इटली में पचास हज़ार के करीब जो कि पुलिस एहलकार आर्मी वाले और नेवी वाले हैं उनके उनको भी काम से निकाला जा सकता है या फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है क्योंकि इन तमाम हिसासदारों के लिए भी हकूमत की तरफ से वैक्सीन का प्रोसेस लाजमी कर दिया गया है और ये पचास हज़ार लोगों ने अभी तक वैक्सीन का प्रोसेस नहीं करवाया जिसकी वजह से इनको या तो सस्पेंड या फिर काम से निकाला जा सकता है इसके अलावा आखिर में यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इटली में कोविड की तीसरी डोज को लेकर पूरे इटली में बुकिंग का अमल काफ़ी तेज़ हो गया है यानी कि जिन लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगवाए पाँच माह का वक्त गुजर चुका है वो लोग भी अब बुकिंग करवा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से काफ़ी सारे लोगों को कोविड की तीसरी डोज देना शुरू कर दी जाएगी तो दोस्तों ये कुछ अहम तरीन खबरें थी इटली से जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डी जे को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़